much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow, boss. Hey guys, good morning. और अभी हो रहे हैं 8:55. Literally मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं सब कुछ रेडी करने को. मतलब कि आज से मैंने कुछ नया स्टार्ट करने का ट्राई किया है. फिर दोबारा से मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया ऑनलाइन. बताऊंगी बाद में क्या. और ये हमारे सुग्गू जी देखो ऐसे और पूरा अब बिस्तर यूं ही पड़ा हुआ है ऐसे करके. मतलब कि अभी उठी हूँ मैं थोड़ा टाइम क्योंकि कल लेट नाइट सोए थे हम. क्योंकि गुड न्यूज़ है हमारे घर में भाई आ गया है. सो बहुत लेट सोए थे 2:30 बज गए थे और फिर उठने का मन नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा था. तो अभी मैं मतलब सिर्फ 5 मिनट बचे हुए. मेरे को चाय वाय भी पीनी है सारा. तो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके. मैंने चाय लिया और यहाँ पे नमकीन पारे लिए और यहाँ पे ये देखो पड़ा हुआ है. ये सब ऐसे बिस्तर पड़े हुए हैं. वो एनी का अपना समेटेगा आके. तो अभी मैं ऐसे ही बैठ गई हूँ यहाँ पे. क्यूट सी चीज मिली है. कितने प्यारे लग रहे हैं ये. तो मेरा नाम है पिंग पॉन्ग. ये होल्स देख रहे हो गाइस. आई थिंक ये वेंटिलेशन के लिए है. पर इसमें सारे कबूतरों का घर है. देखो कितने प्यारे लग रहे हैं. सो दिस इज़ आवर आगरा फोर्ट. और इसी वजह से पूरे आगरा में आपको ना रेड कलर के पत्थर से ही जो पुराने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो हैं. और कुछ कॉलेजेस भी हैं वो भी रेड स्टोन से ही बने हुए हैं. पूरा लाल ही आगरा. अभी आ गई हूँ मैं घर पे और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं मार्केट गई क्यों थी. एक्चुअली मैं जाने तो वाली थी अपनी कॉपीज कुछ लेने के लिए. तो वो मैं ले आई हूँ 4-5 है ना. तो मैं गई क्यों मम्मी के साथ. वो भी पता है इतने घंटे वेस्ट हुए. 2-3 पता नहीं कितना टाइम हो गया. तो 2 hours तो वेस्ट हो गए हैं मेरे. और मेरे लिए क्या नथिंग. एक्चुअली मैं लेना चाह रही थी अपने लिए शूज रनिंग के लिए. मतलब थोड़ा सा मॉर्निंग में वॉक वगैरह हो जाए है ना इसलिए. पर ना वो लिए ना कुछ लिए. बस कॉपीज ले लिए. कभी आएंगे फिर कभी. फिर मम्मी बोलती हैं कि मैं मार्केट में इधर उधर देखती. भाई साहब इधर उधर ही देख लो मुझे नहीं सो जाते उनकी चीजें. तो क्या करूंगी. तो वही अब थोड़ा सा मैं थक गई हूँ क्योंकि हम स्कूटी से नहीं गई थी. थोड़ा सा पैदल गए थे. नहीं ऑटो से गए थे एक्चुअली. थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है मार्केट में. तो ऐसे गए थे. और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगी. उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई का स्टार्ट करूंगी. मक्खी तो स्टार्ट करेंगे. आई थिंक अब से मेरा ये स्टडी ब्लॉग होने वाला है. हाँ थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा. ठीक है जाने का नहीं. और हाँ वही मतलब स्टडी ब्लॉग रहेगा. चलो चश्मा हटा देती हूँ. तो गाइस वही अब से स्टडी ब्लॉग रहेगा क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट हो गई है. ये लड़की बहुत चिल्लाती है यार. तो गाइस आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं काफी टाइम से वीडियोस नहीं बना रही हूँ है ना. तो उसके पीछे ना एक रीजन है यार. तो मतलब वैसे तो मैं बताना नहीं चाह रही थी. और मतलब मेरे को बताने का बिल्कुल भी मन नहीं है. और मेरे को वीडियोस करने का भी मन नहीं कर रहा था. एक्चुअली मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था. एग्जाम के बाद मैं ये सोच रही थी कि इतना फोन चलाऊंगी ना भाई साहब. मतलब पूरे टाइम ना भाई फोन ही चलाते रहूंगी है ना. तो जस्ट एग्जाम के बाद ना कुछ मन नहीं किया. मैं ये सोच रही थी अब कुछ नहीं बचा लाइफ में. मतलब करूं ही क्या. करने को कुछ है ही नहीं. मतलब कुछ मन नहीं कर रहा था. और अब भी मेरा रिजल्ट आ चुका है. मतलब हो गए हैं 1 week हो गया होगा आई थिंक. मतलब रिजल्ट थोड़ा डिप्रेसिंग है. मतलब इतना डिप्रेसिंग नहीं है. मतलब थोड़े से और मार्क्स आ जाते तो मेरा हो जाता. तो यही चीज तो डिप्रेसिंग है ना. आपके कम रहते हैं तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है. फिर उसके बाद मतलब समझ नहीं आता. मेरे को उससे पहले से ही बहुत ज्यादा डर लग रहा था. तो रिजल्ट आ गया. मतलब रिजल्ट के मतलब पता तो था मेरे को कि इतने आ सकते हैं अप्रोक्सीमेट. पर उससे भी ज्यादा आ गए थोड़े से. बट फिर भी नहीं हो सकता था. इसके चांसेस थे क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है. तो
इस वजह से ये चीज चल रही थी दिमाग में और बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था वो चीज। तो मैं डेली थी मोना के साथ, तो थोड़ा सा चिल आउट हो जा रहा था। मतलब अंदर ही अंदर से हम दिखाती नहीं है किसी को, पर है तो है, मतलब वही तो उसके साथ थोड़ी सी बातें शेयर हो जाती थी। कभी वो मिलेगी तो आपको कभी बता सकती है वो कि मतलब क्या किस कंडीशन में थी मैं वो टाइम पे, भी ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे घर पे आ गई और अभी रिजल्ट आउट हो चुका। उसके बाद मतलब बहुत ही ज्यादा काफी टाइम हो गया, आई थिंक 2 वीक्स हो गए होंगे आई थिंक। तो मतलब बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था। मतलब ये लगता है आपको कि आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आपको वो चीज रिजल्ट नहीं मिले ना आपको, तो अपने आप से ही ना आपको ये लग रहा था कि भाई तू कुछ नहीं कर सकती, कुछ हो ही नहीं सकता है अब लाइफ में और कुछ बता ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा, पड़ी रही मैं इधर उधर, तो फिर मैंने सोचा कि रहता है एक और, अभी मैं बताना नहीं चाहूंगी वो चीज। तो वो करने का मैंने सोचा, मतलब कुछ बड़ा ही था, बट उसमें भी मेरा बैड लक निकल गया और सिर्फ 4 दिन लेट थे और मैं वो फॉर्म फिल नहीं कर पाई। दैट वॉज टू मच डिप्रेसिंग फॉर मी, इसलिए मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा था। बट अभी मैंने सोचा है कुछ नया लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, तो मैं बोली थी फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो, तो मैंने अभी ज्वाइन किया। तो इट वॉज माई फर्स्ट डे, तो अब कल से पूरा लग जाना है। क्या हो गया? इस लड़की को देखो। क्या तेरी वीडियो ही तो है। अच्छा अब तू एक्टिंग करके दिखाएगी मैं कूद रही हूँ, तो उसे नीचे ही रख दे। तो गाइज अभी मैं सोच रही हूँ क्यों लेके गए मुझे बाजार, क्यों क्यों किया ये मेरे साथ, मेरे को नहीं जाना था। I don't like मर गई। गाइस मेरे दांत, मेरे भी दांत कोई खास नहीं है, पर मैं ठीक करा लूंगी। हम एक रजाई तो लेते हैं, पर मैं गोरी तो हूँ एटलीस्ट। और इस लड़की को देखो, गोरी लग रही है वैसे तू। काट कलेजा दिखा देंगे। काट तू अब काट के दिखाई दे, दिखा काट के। मम्मी से जिनको मिला देंगे। आई हर्ट, शर्मा गई क्या? उन कट दी। तो ये है हम। तो गाइज बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। हंसती जा रही है गाइस ये। मैं बता रही हूँ मैं ना अपने लिए शूज लेने गई थी और ना भैया मेरे को शूज दिलाए ना कुछ। आज कैसे भैया भैया कर रही हूँ मैं, तो ना मेरे को शूज दिलाएगा ना कुछ। मेरे भाई के लिए शूज दिला दिए जिसके पास ऑलरेडी इतने सारे शूज हैं, इन्हें देखो। नहीं बता रही, मेरी प्लानिंग ये थी मैं जाऊंगी और इसे ले जाऊंगी और हम जाते पैदल वहां से अपनी कॉफी खरीदती, पेटीज या बर्गर खा लेते, मन खुश हो जाता। 1 रुपए की चीज तो खिलाई नहीं, बाजार लेके चले इतनी दूर अलग। गाइस वो क्या बोलते हैं, रेदते हुए अपने मन से घसीटते हुए। और पता है ये वीडियो मम्मी ने देखी ना, तब देखी हो कैसे लात घूसे पड़े, तू भी पिटेगी मेरे साथ में, तू ही बोली रेदते हुए। किलर इसे कहते हैं, किलर स्माइल। दांत देख के कोई बेहोश हो जाएगा। मेरी बेइज्जती करती रहती है। तारीफ करी मैंने, बोला किलर स्माइल तो तारीफ हुई ना। देख ली। चलो गाइस बाय बाय गाइस, अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी स्किपिंग कर लूँ। बहुत लोग मेरे को बस यही बोलते हैं, मैं मोटी हो गई, फालतू के काम मत कर, ये सब मेरे कुछ नहीं है। तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सुंदर हो जाऊँ, तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी स्किपिंग कर लूँ, थोड़ी सी पतली हो जाऊँ। आज आज स्किपिंग, मेरे हाथ अच्छे लगते हैं बस, मेरे को ये देखो बस। तारीफ करना, अच्छा धनतेरस का धन है ये धनतेरस पे खरीदी थी मैंने, इतनी औकात है। चांदी की रिंग खरीदी है, वो भी पता कुछ नहीं मिल रहा था कछुआ। वो एक भाभी, मैं बता रही हूँ इसके पीछे की स्टोरी बता रही हूँ मैंने क्यों खरीदी। एक भाभी मेरे साथ गए, ठीक है, तो वो ज्वेलरी शॉप पे ज्यादा रिंग्स थी नहीं, तो उन्होंने बोला जब से मैंने कछुआ पहना ना मेरे हाथ में बहुत पैसे टिकते हैं। पहली बात कि मैं शेविंग में हाथ उदे, तो हम ऐसे बैठ के बताती हूँ। तो मैं बताती हूँ अपने बारे में कि
मतलब मैं शेविंग में इतनी परफेक्ट हूँ ना कि मैं एक एक रुपए करके ना 1000 बना सकती हूँ महीनों में। सही बता रही हूँ मैं, तुझे पता नहीं है क्या? तो मतलब मेरी इतनी गंदी आदत है कि मैं जैसे मेरा मन करेगा कुछ खाने का तो पता है मैं उसे खाती नहीं हूँ, मैं उन्हें रख लूंगी। मैं पता क्या सोचूंगी, अगर ये 20 रुपए का है ना तो आज रख लेती हूँ, कल खाऊंगी, कल वाले पैसे भी रख लेती हूँ, फिर मैं परसों वाले भी रख लेती हूँ, फिर मैं हफ्ते में एक दिन खा लेती हूँ, पूरे हफ्ते के पैसे बच जाते हैं। ऐसे करके मैं शेविंग कर लेती हूँ। तो भाई कछुआ वछुआ कुछ करेगा नहीं, बट हाँ ठीक लग रही थी, मतलब कुछ था नहीं, तो मैंने खरीदे। देखो ये हमने खरीदा है धनतेरस पे, इतना पक 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 करती चली जा। तो गाइस इतने पैसे थे, सोने की रिंग खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, तो इतने पैसे थे तो यही खरीदा। मतलब ये मैंने अकेला नहीं खरीदा, ये मेरे पूरे घर ने एक ही अंगूठी खरीदी है, यही देख लो देख लो। तो गाइस बस ये आज ही आज अभी अभी की बकवास है ये, कल से मेरी सब बकवास बंद होने वाली है। और कल से नहीं, अभी पढ़ाई दीदी की थोड़ी देर से। अरे नहीं आज भी पढ़ाई थी, पढ़ाई की पढ़ती। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी एंड थोड़ी है कोई, चलो बकर बकर बहुत हो गई। अपलोड भी ना हो, नहीं अपलोड करूंगी मैं इसे, तो थोड़ी सी अभी मैं थोड़ी सी स्किपिंग कर लूंगी वाला पीछे। अरे उसमें क्या, तो थोड़ी सी अभी स्किपिंग करूंगी मैं, उसके बाद मैं पतली हो जाऊंगी। मतलब स्किपिंग करने के बाद थोड़ा सा पढ़ूंगी। स्पीकिंग नो, अभी ये बोल रही थी मैं करने जा रही हूँ स्पीकिंग।